हेलो, बूढ़े होने से मत डरिए, वो तो उम्र है, बढ़ेगी ही। उम्र एक नंबर है, नंबर तो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चलते रहते हैं। लेकिन आपकी जो सोच है उसको बूढ़ा मत होने दीजिए, क्योंकि सोच जो आपकी है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दौड़ने लग जाती है और एकदम बूढ़ी झपाला हो जाती है। वो मत होइए, अपनी सोच को यंग रखिए, तभी आप समय के साथ चल सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, वरना तो एक जगह ठहरे रह जाएंगे स्टैग्नेंट वाटर की तरह, और स्टैग्नेंट वाटर अच्छा नहीं होता है। ये जो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, अरे हमारी तो उम्र हो गई, अब हम ये काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपकी सोच है, इसको बदलिए। कोई भी काम ऐसा नहीं होता अनटिल अनलेस आप फिजिकली बीमार ना हो, आप कोई बीमारी ना हो, तब तक मैं नहीं मानती इस बात को कि कोई भी काम उम्र से बंधा होता है। नो, आपकी एज सिर्फ नंबर है, बाकी आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपकी वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर वो कोई असर नहीं डालती। उठ खड़े होइए और नई चीज़ों को अपनाइए, अपनी सोच यंग रखने के लिए यूथ का साथ पकड़िए, उनकी जो थिंकिंग है, द वे दे थिंक, उनका थॉट प्रोसेस स्टडी करिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकलिटी लाइए अपने अंदर, नई चीज़ों को अपनाइए और खुशी खुशी अपनाइए, उसमें कमियां मत ढूंढिए। आप कमियां ढूंढेंगे जितनी कमियां आपको ढूंढ लेंगे, आपके अंदर आ जाएंगी, आपके अंदर भी कमी होगी, उस कमी को सुधारिए पहले। अपनी सोच सुधारिए और उम्र के पीछे मत दौड़िए, प्लीज इग्नोर कीजिए कि आप 30 इयर्स के हो गए या 40 इयर्स के हो गए, 50 में आ गए या 60 क्रॉस कर लिया। 60 क्रॉस करना मतलब क्या होता है? नथिंग। ठीक है, हम इस दुनिया में आए हैं तो हम 60 क्या, 100 भी हो सकते और होंगे भी, लेकिन हमारे काम करना तो हमारे हाथ में है ना, कि हम क्या करना चाहते हैं। ऑब्वियस डेवलप कीजिए, जिंदगी जिए, वही एक सही तरीका है अच्छी लाइफस्टाइल का। इम्प्रूवमेंट लाइए अपने अंदर, मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी सोच बदलिए। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, द वे ऑफ थिंकिंग नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं होने वाला। फिर तो आप ये मानते रहिए और कहते रहिए कि अरे हम तो बूढ़े हो गए, आप अब खुद बूढ़े हो गए, बूढ़े हो के कह के डल हो जाइए, लोग आपको पूछना छोड़ देंगे। इवन आपके साथ के फ्रेंड सर्कल के लोग जो बहुत लाइवली है, वो भी आपका साथ छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप लोगों का साथ चाहते हैं, अकेलेपन से बचना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी सोच सुधारिए, वरना आप घनघोर अकेलेपन में डूब जाएंगे। अकेलापन अच्छा नहीं होता, अकेलापन एक बीमारी है, और वो बीमारी दीमक होती है, वो दीमक जो सीमेंट से बनी दीवारों को तो खा ही जाती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। तरह तरह की बीमारियां हैं, पार्किंसंस डिजीज जिसमें आजकल सबसे पॉपुलर है, जिसको सुनो वो पार्किंसंस से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर का अकेलापन समेट नहीं पाया और वो बीमार पड़ गया, उसको ये डिजीज डेवलप हो गई। और पार्किंसंस आप सब लोग जानते हैं, जो नहीं जाते अपने डॉक्टर से पूछे, आपके कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होंगे जहां आप जाते होंगे, उनसे पूछिए व्हाट इज पार्किंसंस डिजीज।
कोई फ़ायदा नहीं है बीमार पड़ने से। बेहतर है हम अपना लाइफस्टाइल बदलें, अपनी सोच बदलें, अपनी वर्किंग कैपेसिटी को सुधारें, नई चीज़ों को सीखें, नई चीज़ों को अपनाएं और उनको करें। अपनाएं का मतलब है करें, यस। नई हॉबीज डेवलप कीजिए और उसमें अपने आप को बिजी करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, खाली बिस्तर में पड़े हैं और भाग्य को कोस रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। भाग्य को मत कोसिए, भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य हम और आप बनाते हैं। मेरी बात सोचिएगा, अगर आपको अकेलेपन से बचना है, अगर आपको तमाम बीमारियों से बचना है, अगर आप ये चाहते हैं लोग अभी भी आपको याद रखें, आपसे मिले जुले, तो थोड़ी कोशिश तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। जिंदगी में सबके दुख हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो। उसके तरीके अलग हो सकते हैं, उसका आकार अलग हो सकता है, लेकिन वो है। लेकिन लोग उससे बहुत अच्छी तरह, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इतने गहरे दुख में हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। आप सुनेंगे तो रो पड़ेंगे, लेकिन वो अपने दुख से बाहर आ रहे हैं, उसको छिपा रहे हैं, उसको अपनी जगह पे रहने दे रहे हैं। दुख का भी एक की रिस्पेक्ट होती है, एक सम्मान होता है। अपने दुख को सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, उसकी जगह दीजिए, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप खुद जिएंगे तो आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएंगे। ऐसा कोशिश करिए कि कोई परेशान हो, कोई दुखी हो, तो उसको भी आप नई जिंदगी देने की तरफ बढ़ा लाइए, उसको भी नए तरीके सिखा लाइए, बजाए कि खुद ही बिस्तर पर पड़ जाइए। कोई किसी का नहीं होता, अपने ही घर वाले, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, सब एक समय थक जाते हैं। सालों साल कोई बिस्तर में पड़ा हो, लोग सेवा करते करते परेशान हो जाते हैं, खींचने लग जाते हैं, मैंने आँख से देखा है। लोग इग्नोर करते हैं आवाज़ को पेशेंट की, मत होने दीजिए प्लीज़। उससे ज़्यादा दयनीय कुछ नहीं होता, आप सोच भी नहीं सकते उस पेशेंट को कितनी तकलीफ होती है। किसी न्यूरोलॉजिस्ट के साथ रहिए, उसको देखिए कि वो अपने पेशेंट्स के साथ कैसे डील करता है। किसी साइकेट्रिस्ट से मिलिए, उनसे सुनिए, आपको ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलेंगे। लेकिन मैं किसी कीमत पे पेशेंट्स की सेवा करने वाले तीमारदारों को गलत ठहराऊंगी, उनकी भी अकेले गलती नहीं है। सालों से वो थक जाते हैं, एक ही जैसा काम, एक जैसा रूटीन, रातों दिन की नींद गायब, समय बेसमय किसी तरह समय चुरा के सोना, खाना नहीं, पीना नहीं, समय से कुछ नहीं होता उनका, उसमें वो खींच जाते हैं। तो प्लीज किसी के लिए खींच का कारण मत बनिए, ऐसे मत बनिए कि आप दूसरों के लिए बोझ हो जाएं। इसलिए उम्र को इग्नोर करके यंग बनिए, एनर्जी इकट्ठा करिए, बी अ कैटलिस्ट फॉर समबडी। सोसाइटी की तरफ भी आपका कोई ना कोई एक दायित्व है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उठाइए। सोचिएगा, मैं फिर मिलूंगी।